कंसेंट और परमिशन ये दोनों ही चीजें जरूरी है, ये कहता है सेक्शन 375। ये फिल्म लेकर यानी कि अजय बहल आ चुके हैं, यस, यानी कि ऋचा चड्ढा, अक्षय खन्ना स्टारर, अजय बहल डायरेक्टेड फिल्म 375, सेक्शन 375 फाइनली इसका ट्रेलर आउट हो चुका है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। इस सेंसिटिव टॉपिक पर, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, इस टॉपिक पर फाइनली ये फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, जहां पर ये बताया जा रहा है रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये फिल्म बनाई गई है, जहां पर एक रेप विक्टिम की स्टोरी दिखाई गई है। लेकिन आपने बहुत रेप स्टोरीज देखी होंगी, ऐसी बहुत सारी फेमिनिज्म स्टोरीज निकली हैं जहां पर आप देखते हैं कि एक किसी का रेप हुआ है एंड देन उस प्रोसीजर को, उस चीज को बाहर निकालने में, उस सच का सामना करने में कितने तरह की मुश्किलें आती हैं, किस तरीके से सारी चीजें होती है, उस पर बेस्ड स्टोरी है। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर ऋचा चड्ढा और अक्षय खन्ना जो है वो दोनों ही ऑपोजिशन टीम से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों अपने अपने वकील, यानी कि एक जिस पर रेप का इल्जाम है और एक जिसके साथ ये हादसा हुआ है, इन दोनों लोगों की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग ऋचा चड्ढा कहती नजर आती है कि कंसेंट और परमिशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 375 के अंडर। लेकिन उसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं, उसी चीज को काउंटर अटैक करते हुए नजर आते हैं ट्रेलर में। आपको नजर आएगा किस तरीके से अक्षय खन्ना ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहां पर मिसयूज किया जा रहा है विमेन राइट्स, जिस चीज के लिए विमेन राइट्स के लिए इस सेक्शन को बनाया गया था, सेक्शन 375 बनाया गया है विमेन प्रोटेक्शन के लिए, ना कि वो उसको अपने अगेंस्ट एज अ वेपन यूज करे इस चीज के लिए। तो यहां पर दो पर्सपेक्टिव हैं, एक पर्सपेक्टिव है अक्षय खन्ना का जो कि जिसने रेप किया है उसकी साइड से लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है हमें ऋचा चड्ढा का जो कि विक्टिम के साथ नजर आ रही है। कौन सच है कौन गलत है, इस बात का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन ट्रेलर को बखूबी दिखाया गया है, जी हाँ, अजय बहल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है एक सस्पेंस क्रिएट करने में, और साथ ही साथ एक क्यूरोसिटी भी नजर आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखाया जा रहा है कि एक हिस्ट्री रह चुकी है पहले अक्षय खन्ना और साथ ही साथ ऋचा चड्ढा की, तो इनकी भी पहले एक हिस्ट्री रह चुकी है जिसके बलबूते पर ये पूरा एक जो जोन है वो नजर आ रहा है फिल्म का। फिल्म की कहानी जो है ऑफकोर्स एक रेप विक्टिम की स्टोरी पर है, किस तरीके से सच बाहर आता है, सही कौन है और गलत कौन है, ये थिएटर्स में पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन इस तरह का कंटेंट जो है सेक्शन 375 को लेकर, कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो सेक्शन 375 का गलत इस्तेमाल करती हैं, एज अ वेपन उसे यूज करती हैं, खुद उसे यू नो कटघरे में खड़ा करती हैं सामने वाले इंसान को, लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि सामने वाली बंदी गलत नहीं है और एक्चुअल में उनके साथ ये चीजें हुई है। लेकिन ये सच और झूठ के बीच की जो लाइन है, इस लाइन का पर्दाफाश होगा जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यानी कि अभी तो ट्रेलर आया है, फिल्म अभी बाकी है। मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया, इस ट्रेलर को, इस ट्रेलर की कंसेंट को, इस ट्रेलर की स्टारकास्ट को, जिस तरह का कंटेंट लिया गया है उसके लिए मैं इस ट्रेलर को देना चाहूंगी 3.5 स्टार्स। आप अपनी तरफ से इस ट्रेलर को देखिए, बताइए कितना पसंद आया आपको ट्रेलर और फिल्म को लेकर कितनी दिलचस्पी है आपको, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।